This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर्ट कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया और इसमें डेरिल हार्नर, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नीलसन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, बिल मोसले, सिल्वेस्टर मैकराय, टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिकल रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2013 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथ वर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हॉर्नर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हर्ना का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी में मेट जगर थे जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी और पिता डोनाल्ड क्रियन हर्ना एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसा ही की डोरोल्ड वेक्सलर से शादी कर ली जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हर्ना अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हर्ना और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हर्ना को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आर्थिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हर्ना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हर्ना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हर्ना ने 1978 में 7 साल की उम्र बैरिन की पल्मा की हॉरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहुल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हर्ना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसा के प्रति क्रूध प्रीस की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक एस्टर्न खुद की। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरियस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैंक्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सह अभिनय
अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की तरह प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर फ्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेडर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हाना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव, बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हाना की फ्रेंड एस्केपीज की फिल्म रोक से 1987 के शीर्ष भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेंट की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओंटूल के साथ हाई सिप्रिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हाना ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हाना को एम्पायर पत्रिका की तरह फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सौ अप्रोमो की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टारांटिनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हाना ने एक आंख वाले हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्ग सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए क्रूंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सैनल रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी के रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सिफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सीकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हाना सेक्स 8 में एंजेलिका स्टीवर्टिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज यह सीरीज 2 सीजन तक चली, जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2080 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2080 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया, जिसके लिए उन्होंने लेखक और निर्माता के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाउ में ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरहुड ए ब्रॉन के लिए सौद्रेस संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हाना एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हाना के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हाना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हाना ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्टेटअप नोटस का निर्देशन और छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और HBO पर प्रसारित किया। और हाना ने ड्रेसिंग एंड ब्लू एगो आना में एक
सीट पर के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किए उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हरना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हरना और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टॉनर ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हरना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हरना एक सक्रिय की पर्यावरणविद है, उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया और इसमें डेरिल हरना, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नीलसन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, बिल मोसले, सिल्वेस्टर मैकब्राइड, टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिक और रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2013 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथवर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हरना के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हरना का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी मेट जगर थे जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी और पिता डोनाल्ड क्रियन हरना एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसाही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हरना अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हरना और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हरना को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आर्थिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हरना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हरना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हरना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हरना ने 1978 में 7 साल की उम्बारिन की पल्मा की हरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हरना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक के प्रति क्रूर प्रीस्ट की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक स्टंट खुद की। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरियस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैकर्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने
उन्हें बहुत पहचान दिलाई। उस इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सह अभिनय अभिनी द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की तरह प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर फ्रेंड ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेडर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हाना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव, बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगर ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हाना की फ्रेंड एस्केपीज की फिल्म रोक से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेंट की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओन्टूल के साथ हाई सिप्रिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हन्ना ने कंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हन्ना को एम्पायर पत्रिका की तरह फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सह प्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। 2018 के टर्नर टीनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हन्ना ने एक आंख वाले हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्क सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए क्रूंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सैनल रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी की रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सिफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेप में भी एसाइलन की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हरना सेक्स 8 में एंजेलिका स्टीवर्डिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज यह सीरीज 2 सीजन तक चली, जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया, जिसके लिए उन्होंने लेखक और निर्माता के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी डिफ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरोहुड ए ब्रॉन के लिए सौतरेस संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी, उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हनार के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री ए सेटअप नोटस का निर्देशन और
छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और एचबीओ पर प्रसारित किया। और हर्नर ने ड्रेसिंग एंड ब्लू एगो आना में एक सिटपर के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किया उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हर्ना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हर्ना और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टर्नर ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हर्ना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हर्ना एक सक्रिय की पर्यावरणविद है, उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया और इसमें डेरिल हर्ना, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नीलसन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, विल मोसले, सिल्वेस्टर मैकब्राइड, टायरस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिकल रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2013 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथवर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हर्ना के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हर्ना का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी मेट जगर थे, जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी, और पिता डोनाल्ड क्रियन हर्ना एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैशाली की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली, जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हर्ना अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हर्ना और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हर्ना को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आर्थिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मिली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हर्ना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हर्ना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हर्ना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रेसेंस डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हर्ना ने 1978 में 7 साल की उम्र बैरिन की पल्मा की हॉरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हर्ना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक के प्रतिक्रूद प्रीस की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जीवन
जिम्नास्टिक एस्टन खुद की उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरियस में दिखाई दी। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी द प्लेस 1984 में टॉम हैंक्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सहअभिनय अभिनेता पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर ब्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेडर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हाना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हाना की फ्रेंड एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के शीर्ष भूमिका में अभिनय किया जो एडमन रोस्टेन की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओंटूल के साथ हाई सिप्लिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हाना ने कंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑचर की भूमिका निभाई। 1995 में हाना को एम्पायर पत्रिका के द्वारा फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सहप्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टर्नर टीनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हाना ने एक आंख वाली हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्क सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए क्रूंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सैनल रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी की रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया जो द एसाइलम की एक सीफी मूल फिल्म थी और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी इस आइलैंड की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सीकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हाना सेक्स एट में एंजेलिका स्टीवर्ट की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज यह सीरीज 2 सीजन तक चली जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2080 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2080 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया जिसके लिए उन्होंने लेखक और निर्माता के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरोहुड ए ब्रॉन के लिए सौत्रिस संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हानार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हाना के प्रदर्शन की सराहना की।
कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री ए स्ट्रेट अप नोटस का निर्देशन और छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और HBO पर प्रसारित किया। और हरना ने ड्रेसिंग एंड ब्लू एगो आना में एक सिटकॉम के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किया उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हरना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हरना और अभिनेत्री हिलेरी रिपोर्ट टोनर ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हरना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हरना एक सक्रिय की पर्यावरणविद है, उन्होंने अस्थायी राष्ट्रधानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया और इसमें डेरिल हरना, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नेल्सन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, विल मोसले, सिल्वेस्टर मैकराय, टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिकल रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2013 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथवर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हरना के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हरना का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी में मेट जगर थे, जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी, और पिता डोनाल्ड क्रियन हरना एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसाही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली, जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हरना अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हरना और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हरना को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आंशिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हरना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हरना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हरना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हरना ने 1978 में 7 साल की उम्र बैरिन की पल्मा की हॉरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी।
भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हर्ना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक की प्रतिकृत प्रिस्ट की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक एस्टर्न खुद की। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरेस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैंक्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सहअभिनय अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमस और जैक्सन ब्राउन की तरह प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर ब्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेडर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दशक के दौरान हाना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव, बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हर्ना की प्रेर एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के शीर्ष भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेन की नाटक साहिरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एर्बर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओन्टूल के साथ हाई सिप्लिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हर्ना ने कंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हर्ना को एम्पायर पत्रिका की तरह फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविज़न के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सह प्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टर्नर टीनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हर्ना ने एक आँख वाले हथियारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्की 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सिनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्क सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए क्रूंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सनन रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी की रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सीफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलन की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हर्ना सेक्स 8 में एंजेलिका स्टीवरिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज या सीरीज दो सीजन तक चली, जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2080 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2080 में हर्ना पैराडॉक्स की रिलीज किया, जिसके लिए उन्होंने लेखक और निर्माता के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हर्ना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी ड्रेफ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरोहुड ए ब्रॉन के लिए संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।
हानार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर एज में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हाना के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑप के लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सेटअप नोटस का निर्देशन और छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और HBO पर प्रसारित किया। और हर्नर ने ड्रेसिंग एंड डब्ल्यू एगो आना में एक सिटपर्म के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किया उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हर्नर रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हर्नर और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टॉनर ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हर्नर ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हर्नर एक सक्रिय के पर्यावरणविद है, उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया। और इसमें डेरिल हर्नर, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नेल्सन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, विल मोसले, सिल्वेस्टर मैकराय, टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिक और रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सिंस के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में यूएपीआर रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2013 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथवर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हर्नर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हर्नर का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी में मेट जगर थे, जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी, और पिता डोनाल्ड क्रियन हर्नर एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसाही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली, जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हर्नर अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हर्नर और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हर्नर को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आंशिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हर्नर के साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हर्नर ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने बैले और अभिनय में का आगे किया।
हाना ने 1978 में 7 साल की उम्बारिन की पल्मा की हरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हर्ना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक की प्रतिक्रूद प्रीस की भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिम्नास्टिक एस्टर्न खुद की। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरेस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैकर्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सहअभिनय अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की तरह प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर फ्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेरर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दशक के दौरान हाना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हाना की फ्रेंड एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया जो एडमन रोस्टेंट की नाटक साहिरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओन्टूल के साथ हाई सिप्लिस की 1980 में भी अभिनय किया। हर्ना ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हर्ना को एम्पायर पत्रिका की तरह फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविज़न के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सह प्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टर्नर टीनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हर्ना ने एक आंख वाले हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सिने सीरीज में दिखाई दी जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्क सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लेनेट अर्थ और स्पाई के लिए क्रूंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सैनल रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी के रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया जो द एसाइलम की एक सीफी मूल फिल्म थी और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सीकॉन ट्रैफिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हर्ना सेक्स 8 में एंजेलिका स्टीवरिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज यह सीरीज 2 सीजन तक चली जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हर्ना पैराडॉक्स की रिलीज किया जिसके लिए उन्होंने लेखक और नर्मदा के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 2022 में हर्ना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज
द नाउ मी ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय के 22-3 में उन्हें नील यंग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरहुड ए ब्रॉन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी, उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हनार के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सफर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्ट्रेट अप नोटस का निर्देशन और छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और HBO पर प्रसारित किया। और हर्नर ने ड्रेसिंग एंड ब्लू एगो आना में एक सिटकॉम के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किए उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हर्नर रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हर्नर और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टर्नर ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हर्नर ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हर्नर एक सक्रिय की पर्यावरणविद है, उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया और इसमें डेरिल हर्नर डेविड कैराडाइन माइकल मैडसन ब्रिगिट नेल्सन केरी वॉशिंगटन जेफ फेरी स्टीव गुटेनबर्ग बिल मोसले सिल्वेस्टर मैक्राय टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिक और रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2030 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिससे इसे धोखा खड़े करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथ वर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हर्नर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हर्नर का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी मेट जगर थे जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी और पिता डोनाल्ड क्रियन हर्नर एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसा ही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली जो सिनेमेटोग्राफर हर्स स्केल वेक्सलर की भाई थे। हर्नर अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हर्नर और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हर्नर को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आर्थिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे
संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हरना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हरना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हरना ने 1978 में 7 साल की उम्बारियन की पल्मा की हरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी, लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हरना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक के प्रति क्रूध प्रीस की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिम्नास्टिक एस्टर्न खुद की। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरियस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैकर्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ अभिनय अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर फ्रेंड ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेरर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हाना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेटा वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हरना की प्रेर एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेंट की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एर्बर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओन्टूल के साथ हाई सिप्रिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हरना ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हरना को एम्पायर पत्रिका की द्वारा फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सौ अप्रोमो की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टारांटिनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हरना ने एक आंख वाले हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्ग सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए कुंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सनन रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी के रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सिफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलन की तरह
इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सीकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हार्नर सेक्स एक्ट में एजेल लीकर स्ट्यूडिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज यह सीरीज 2 सीजन तक चली जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया जिसके लिए उन्होंने लेखक और नर्मदा के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 2022 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरहुड ए ब्रॉन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हनार के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हनार के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हनार ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्ट्रेट अप नोटस का निर्देशन और छायांकन किया जिसे यूके में चैनल 4 और एचबीओ पर प्रसारित किया। और हनार ने ड्रेसिंग एंड ब्लू एगो आना में एक सिटपर के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किए उसका दस्तावेजीकरण किया। 2022 में हनार रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हनार और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टर्नर ने 2 बोर्ड गेम बनाए लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हनार ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हनार एक सक्रिय के पर्यावरणविद है। उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोराडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोराडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया और इसमें डेरिल हनार डेविड कैराडाइन माइकल मैडसन ब्रिगिट नीलसन केरी वॉशिंगटन जेफ फेरी स्टीव गुटेनबर्ग बिल मोसले सिल्वेस्टर मैकराय टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिक और रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी। हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2030 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था जिससे इसे धोखा खड़े करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथवर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हनार के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हनार का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी मेट जगर थे जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी और पिता डोनाल्ड क्रियन हनार एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसाही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली जो सिनेमेटोग्राफर हर्स स्केल वेक्सलर की भाई थी। हनार अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हनार और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ।
हरना कुछ छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आंशिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हरना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हरना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हरना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हरना ने 1978 में 7 साल की उम्बारियन की पल्मा की हरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हरना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक के प्रति क्रूर प्रीस्ट की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक स्टंट खुद किए। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरियस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैकर्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सहअभिनय अभिनी द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर ब्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेरर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हरना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगर ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हरना की प्रेर एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेंट की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओन्टूल के साथ हाई सिप्रिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हरना ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हरना को एम्पायर पत्रिका के द्वारा फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सहप्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। 2018 के टर्नर टीनो की द्वारा निर्देशित किल बिल 23 में हरना ने एक आंख वाले हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्क सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए क्रूंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सनन रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी के रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति
देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सीफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू स्टेप में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हरना सेक्स 8 में एंजेलिका स्टीवर्डिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज या सीरीज दो सीजन तक चली, जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2080 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2080 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया, जिसके लिए उन्होंने लेखक और निर्माता के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरहुड ए ब्रॉन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हना के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीट ऑफ नोटस का निर्देशन और छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और HBO पर प्रसारित किया। और हरना ने ड्रेसिंग एंड ब्लू एगो आना में एक सिटपर के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किया उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हरना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हरना और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टॉनर ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हरना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हरना एक सक्रिय की पर्यावरणविद है, उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया, और इसमें डेरिल हरना, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नीलसन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, विल मोसले, सिल्वेस्टर मैकब्राइड, टायरस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिकल रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2030 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथवर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हरना के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हरना का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी में मेट जगर थे, जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी, और पिता डोनाल्ड क्रियन हरना एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसाही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली, जो सिनेमेटोग्राफर
हर्ष स्केल विक्सलर की भाई थी। हरना अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हरना और अपनी सौतेली बहन तानिया विक्सलर के साथ लंग ग्रो इलियोनिस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हरना को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आर्थिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हरना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया। इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हरना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रेसिडेंस डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हरना ने 1978 में 7 साल की उम्बारिन की पल्मा की हॉरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हरना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक के प्रति क्रूर प्रीस्ट की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक स्टंट खुद किए। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरेंस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैंक्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर ब्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेडर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हरना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हरना की फ्रेंड एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेन की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओंटूल के साथ हाई सिप्लिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हरना ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हरना को एम्पायर पत्रिका की द्वारा फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविज़न के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सहप्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टर्नर टीनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हरना ने एक आँख वाली हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्क सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए क्रूंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सैनल रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है।
वैरायटी के रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सीफी मूल फिल्म थी और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हरना सेक्स एट में एंजेलिका स्टीवर्ट की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज, यह सीरीज दो सीजन तक चली जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया जिसके लिए उन्होंने लेखक और नर्मदा के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाउ में ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरोहुड ए ब्रॉन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हरना के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सफर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीट ऑफ नोटस का निर्देशन और छायांकन किया जिसे यूके में चैनल 4 और एचबीओ पर प्रसारित किया। और हरना ने ड्रेसिंग एंड ऑफ ब्लू एगो आना में एक सिटपर में के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किया उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हरना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हरना और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टोना ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हरना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हरना एक सक्रिय की पर्यावरणविद है। उन्होंने अस्थायी राष्ट्रधानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया और इसमें डेरिल हरना, डेविड कैराडाइन, माइकल मैटसन, ब्रिगिट नेल्सन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, विल मोसले, सिल्वेस्टर मैकब्राइड, टायरेस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिकल रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2030 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथ वर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हरना के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हरना का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी में
मिट जगर थे, जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी, और पिता डोनाल्ड क्रियन हर्न एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसाही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली, जो सिनेमेटोग्राफर हर्स स्केल वेक्सलर की भाई थे। हरना अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हरना और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलियोनिस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हरना को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आर्थिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हरना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हरना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हरना ने 1978 में 7 साल की उम्बारिन की पल्मा की हॉरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हरना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसा के प्रतिक्रूद प्रेस की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक एस्टर्न खुद की। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरेस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैंक्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर ब्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेडर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दशक के दौरान हाना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हरना की प्रेर एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेन की नाटक साहिरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एर्बर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओन्टूल के साथ हाई सिप्रिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हरना ने कंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हरना को एम्पायर पत्रिका की द्वारा फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविज़न के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सौ अप्रोमो की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टर्नर टीनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हरना ने एक आँख वाले हथियारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिर्फ मूल फिल्म सर्क सवाम
हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लेनेट अर्थ और स्पाई के लिए कुंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सनन रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी की रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया जो द एसाइलम की एक सीफी मूल फिल्म थी और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हरना सेक्स 8 में एंजेलिका स्टीवर्ट की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज यह सीरीज 2 सीजन तक चली जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया जिसके लिए उन्होंने लेखक और नर्मदा के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्ष की ए बैंड ए बदरोहुड ए ब्रॉन के लिए सॉर्ट्रेस संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हरना के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑप की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सेटअप नोटस का निर्देशन और छायांकन किया जिसे यूके में चैनल 4 और एचबीओ पर प्रसारित किया। और हरना ने ड्रेसिंग एंड डब्ल्यू एगो आना में एक सिटकॉम के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किया उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हरना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हरना और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टॉनर ने दो बोर्ड गेम बनाए लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हरना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हरना एक सक्रिय के पर्यावरणविद है। उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया और इसमें डेरिल हरना डेविड कैराडाइन माइकल मैडसन ब्रिगिट नेल्सन केरी वॉशिंगटन जेफ फेरी स्टीव गुटेनबर्ग विल मोसले सिल्वेस्टर मैक्राय टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिक और रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में यूएपीआर रिलीज मिलनी थी हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2030 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथवर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और
डेरिल हॉर्नर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हॉर्नर का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनकी पिता सुसान जी में मेट जगर थे, जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी, और पिता डोनाल्ड क्रियन हॉर्नर एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसाही की डोनाल्ड वेक्सलर से शादी कर ली, जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हॉर्नर अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हॉर्नर और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हॉर्नर को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आंशिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हॉर्नर के साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हॉर्नर ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हॉर्नर ने 1978 में 7 साल की उम्र बैरिन की पल्मा की हॉरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहुल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी, लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हॉर्नर ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसा के प्रति क्रूर प्रिंस की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिम्नास्टिक एस्टर्न खुद की। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरेस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैंक्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सहअभिनय अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हॉर्नर क्लेरेंस क्रेमेंस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर ब्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेरर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दशक के दौरान हॉर्नर की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हॉर्नर की प्रेर एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के शीर्ष भूमिका में अभिनय किया, जो एडमंड रोस्टेंट की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओन्टूल के साथ हाई सिप्लिस की 1980 में भी अभिनय किया। हॉर्नर ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हॉर्नर को एम्पायर पत्रिका की द्वारा फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविज़न के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सह प्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टारांटिनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हॉर्नर ने एक आँख वाले हथियारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के
मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सिने सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म स्वर्ग सवाम, हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए कुंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सनन रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी के रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सिफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन ट्रैफिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हारना सेक्स एट में एंजेलिका स्टीवरिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज, यह सीरीज 2 सीजन तक चली, जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया, जिसके लिए उन्होंने लेखक और नर्मदा के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 2022 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरहुड ए ब्रॉन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हरना के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सफर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्ट्रेट अप नोटिस का निर्देशन और छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और HBO पर प्रसारित किया। और हरना ने ड्रेसिंग एंड ब्लू एगो आना में एक सिटपर के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किया उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हरना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हरना और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टॉना ने 2 बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हरना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हरना एक सक्रिय की पर्यावरणविद है। उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म, जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया, और इसमें डेरिल हरना, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नीलसन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, बिल मोसले, सिल्वेस्टर मैकराय, टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिक और रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में यूआई पैक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2030 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिससे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथ वर्क डाउन क्रोट में
दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हॉर्नर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हॉर्नर का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी में मेट जगर थे जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी और पिता डोनाल्ड क्रियन हॉर्नर एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसा ही की डोनाल्ड वेक्सलर से शादी कर ली जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हॉर्नर अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हॉर्नर और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हॉर्नर को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आर्थिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हॉर्नर के साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हॉर्नर ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रेसेंस डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की जहां उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हॉर्नर ने 1978 में 7 साल की उम्र बैरिन की पल्मा की हॉरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहुल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हॉर्नर ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक के प्रति क्रूध प्रीस्ट की भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक एस्टर्न खुद की। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरियस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैंक्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सहअभिनय अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हॉर्नर क्लेरेंस क्रेमेंस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर फ्रेंड ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेरर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हॉर्नर की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेटा वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हॉर्नर की प्रेर एस्केपीज की फिल्म रोक से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया जो एडमन रोस्टेंट की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओंटूल के साथ हाई सिप्रिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हॉर्नर ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हॉर्नर को एम्पायर पत्रिका की द्वारा फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सह प्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टारांटिनो की द्वारा निर्देशित
किल बिल 23 में हार्ना ने एक आंख वाले हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म स्वर्ग सवाम, हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए कुंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सनन रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी के रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सिफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन ट्रैफिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हार्ना सेक्स 8 में एजेल लीकर स्ट्यूडिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज, यह सीरीज 2 सीजन तक चली, जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया, जिसके लिए उन्होंने लेखक और नर्मदा के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरहुड ए ब्रॉन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी। उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर इज में मर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हरना के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हरना के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीट ऑफ नोटस का निर्देशन और छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और HBO पर प्रसारित किया। और हरना ने ड्रेसिंग एंड ब्लू एगो आना में एक सिटपर के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किए उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हरना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हरना और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टोना ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हरना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हरना एक सक्रिय की पर्यावरणविद है, उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म, जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया, और इसमें डेरिल हरना, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नीलसन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, बिल मोसले, सिल्वेस्टर मैकराय, टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिक और रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2030 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का
झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिसे इसे धोखा खड़े करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथवर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हॉर्नर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक। हर्ना का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी मेट जगर थे, जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी, और पिता डोनाल्ड क्रियन हर्ना एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसा ही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली, जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हरना अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हरना और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हरना को छोटी उम्र में फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आंशिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मीली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हरना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हरना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हरना ने 1978 में 7 साल की उम्बारिन की पल्मा की हरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी, लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हरना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसा के प्रति क्रूर प्रीस्ट की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक स्टंट खुद किए। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरियस में दिखाई दिए। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैकर्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ सहअभिनय अभिनी द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर ब्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेरर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हरना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगर ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेता वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हरना की प्रेर एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेंट की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एर्बर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओन्टूल के साथ हाई सिप्रिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हरना ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई। 1995 में हरना को एम्पायर पत्रिका की द्वारा फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देयरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में
उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म ही में एक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सौ आप प्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टर्नर टीनो की तरह निर्देशी किल बिल 23 में हार्नर ने एक आंख वाले हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म स्वर्ग सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए कुंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सनन रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी की रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सिफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेप में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन ट्रैफिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हार्नर सेक्स एट में एजेल लीगल स्ट्यूडिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज यह सीरीज दो सीजन तक चली, जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया, जिसके लिए उन्होंने लेखक और नर्मदा के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाओमी ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 2023 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरोहुड ए ब्रॉन के लिए सौत्रेस संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी, उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मॉर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हनार के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन ऑफ की लेजी लॉरीज ने कहा कि यह नाटक हनार के लिए एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही माध्यम था। हरना ने द लास्ट सपर नामक एक लघु फिल्म लिखी, निर्देशित और निर्मित की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीट ऑफ नोटस का निर्देशन और छायांकन किया, जिसे यूके में चैनल 4 और एचबीओ पर प्रसारित किया। और हरना ने ड्रेसिंग एंड ऑफ ब्लू एगो आना में एक सिटपर के रूप में अपनी भूमिका के लिए जो शोध किया उसका दस्तावेजीकरण किया। 22 में हरना रॉबी विलियम्स के गीत पीले की वीडियो में विलियम्स की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दी। हरना और अभिनेत्री हिलेरी रिप और टॉनर ने दो बोर्ड गेम बनाए, लव इट और हेड इट और लाइब्रेरी की। हरना ने 25 में द एलेन डीजेनरेस तो में बाद वाले का पूर्वालोकन किया। हरना एक सक्रिय की पर्यावरणविद है, उन्होंने अस्थायी राजस्थानों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एल डोरेडो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। एल डोरेडो की एक ब्रिटिश आर कॉमेडी फिल्म, जिसे रिचर्ड डिस्क्लान ने लिखा और निर्देशित किया, और इसमें डेरिल हरना, डेविड कैराडाइन, माइकल मैडसन, ब्रिगिट नीलसन, केरी वॉशिंगटन, जेफ फेरी, स्टीव गुटेनबर्ग, विल मोसले, सिल्वेस्टर मैकराय, टायरिस गिब्सन और पीटर ओटूल ने अभिनय किया। फिल्म को हॉरर कॉमेडी म्यूजिकल रोड मूवी के रूप में वर्णित किया गया। फिल्म को हाईवे टू हेल सीन्स के तहत भी रिलीज किया गया था। फिल्म को नवंबर 2010 में यूके और यूएसए दोनों में व्यापक रिलीज मिलनी थी, हालांकि उत्पादन पूरा होने के बावजूद इसे रिलीज नहीं किया गया। 5 जून 2013
30 को ब्रिटिश मीडिया में यह बताया गया कि निर्देशक ने ब्रिटिश सरकार को गलत वैट टैक्स की रिटर्न दाखिल करके फिल्म को वित्त पोषित किया था। डिस्कॉल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म का बजट 50 मिलियन होने का झूठा दावा किया था। यह आंकड़ा वास्तव में केवल 50 मिलियन था, जिसे इसे धोखा खड़ी करने के लिए 235 मिलियन से बढ़ाया गया था। उन्हें साउथ वर्क डाउन क्रोट में दोषी ठहराया गया और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फिल्म को कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया। इसे यूनाइटेड किंगडम में डायरेक्ट टू वीडियो प्रकाशित किया और डेरिल हॉर्नर के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक हरना का जन्म शिकागो इलिनोइस में हुआ था। उनके पिता सुसान जी में मेट जगर थे, जो एक नर्मदा और स्कूल शिक्षिका थी, और पिता डोनाल्ड क्रियन हरना एक टॉगबोट और ब्रश कंपनी के मालिक थे। उसकी माता पिता का तलाक हो गया और उसकी मां ने बाद में वैसा ही की डोरोल वेक्सलर से शादी कर ली, जो सिनेमेटोग्राफर हर्ष स्केल वेक्सलर की भाई थे। हरना अपनी भाई बहनों डॉन और पेज हरना और अपनी सौतेली बहन तानिया वेक्सलर के साथ लंग ग्रो इलिनोइस में पली बड़ी। उनका लालन पालन रोमक कैथोलिक के रूप में हुआ। हरना को छोटी उम्र में ही फिल्म में दिलचस्पी हो गई थी। आर्थिक रूप से अनिद्रा के कारण उसने कहा है कि वह बड़ी होकर बहुत शर्मिली थी। एक छोटे बच्चे के रूप में हना भावनात्मक रूप से अलग थलग थी और स्कूल में संघर्ष कर रही थी। बाद में उसे ऑटिज्म का पता चला और चिकित्सक पेशेवरों ने उसके माता पिता से उसे संस्थागत और दवा देने का आग्रह किया। इसके बजाय उसकी मां ने हरना से साथ अस्थायी रूप से जमैका में स्थानांतरित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पर्यावरण में बदलाव से उसकी बेटी को मदद मिलेगा। बाद में हरना ने लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विद्यालय में दाखिल लेने से पहले शिकागो में प्रगतिशील प्रसिद्ध डब्ल्यू पॉकर स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने बैले और अभिनय में का आगमन किया। हरना ने 1978 में 7 साल की उम्र बैरिन की पल्मा की हॉरर फिल्म द फ्यूरी में अभिनय के साथ अपनी फिल्म शुरुआत की। 1983 की हॉरर फिल्म द फाइनल टेरर में राहिल वाट के साथ अपनी ही शुरुआत की थी भूमिका थी। फिल्म की शूटिंग 1981 में हुई थी, लेकिन इसे 1983 में रिलीज किया गया था। हरना ने रिडले की स्कॉट की साइंस फिक्शन क्लासिक ब्लेड रनर 1982 में कलाबाज और हिंसक के प्रति क्रूर प्रीस्ट की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिमनास्टिक स्टंट खुद किए। उसी वर्ष वह गर्मियों की हिट रिलीज समर लॉरेंस में दिखाई दी। रॉन हॉवर्ड की हिट फंटासी कॉमेडी सरप्लेस 1984 में टॉम हैंक्स के साथ एक जलपरी की भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। इसके अलावा 1984 में वह मिकी अराउर के और एरिक रॉबर्ट्स के साथ अभिनीत द पोप ऑफ ग्रीनविच विलेज में दिखाई दी। 1985 में हाना कैलरेंस क्रेमंस और जैक्सन ब्राउन की द्वारा प्रस्तुत संगीत वीडियो यू आर ब्रेन ऑफ माइंड में दिखाई दी और सहायक गायन प्रदान किया। वह ब्राउन की टेडर इज द नाइट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 1980 के दर्श के दौरान हाना की अन्य भूमिकाओं में बेस्ट सेलर का क्लान ऑफ द केव बिहार 1986 और लीगल इग्लेस 1986 का फिल्म संस्करण शामिल था, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेबरा विगन ने अभिनय किया था। वह एकेडमी पुरस्कार विजेटा वर्ल्ड स्ट्रीट 1987 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें रेजी पुरस्कार मिला। हरना की फ्रेंड एस्केपीज की फिल्म रोग से 1987 के इस भूमिका में अभिनय किया, जो एडमन रोस्टेन की नाटक साइरानो डे बॉजरे का आधुनिक पौन लेखन था। उनकी प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने मीठा और कोमल बताया। उन्होंने पीटर ओंटूल के साथ हाई सिप्रिस्ट की 1980 में भी अभिनय किया। हरना ने गंपनी ओलन मैन कॉमेडी में जैक लेमन के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन के HBO कॉमेडी रीमेक में नैन्सी ऑर्चर की भूमिका निभाई।
99.5 मेहरना को एम्पायर पत्रिका की तरह फिल्म इतिहास की 100 सबसे सेक्सी सितारों में से एक 96वें स्थान पर चुना गया था। उस वर्ष द टाई डैड बाइंस में होमी साइडल की सोशियोपैथ लीन देरवुड के रूप में दिखाई दी। 1989 में उन्होंने टेलीविजन के लिए बनी फिल्म रीमेक रियर विंडो में क्रिस्टोफर रीव की सहप्रमुख की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने डायरेक्टर टू वीडियो फिल्म एडम्स फैमिली रियूनियन में मोर्टिसिया एडम्स की भूमिका भी निभाई। क्वेंटिन के टर्नर टीनो की तरह निर्देशित किल बिल 23 में हर्ना ने एक आंख वाली हत्यारे एली ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन और स्पीड जॉन्किन 2010 के मैं उनकी अभिनय को कुछ समीक्षकों में वापसी के रूप में वर्णित किया। किल बिल के बाद वह कई टीवी फिल्मों और सीनी सीरीज में दिखाई दी, जिनमें सिफी मूल फिल्म सर्क सवाम हॉलमार्क चैनल के लिए फाइनल डेज ऑफ प्लैनेट अर्थ और स्पाई के लिए क्रूंग फू किलर शामिल है। वह 29 में सैनल रेनबो और द साइकिल में भी दिखाई दी। 2010 की दृश्य में हरना फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें द क्लोज बुक और एल्डोरेस शामिल है। वैरायटी की रॉबर्ट की कोयलर ने एक कोयल जेट बुक के बारे में लिखा कि यह उत्सुक प्रशंसक को यह देखने की अनुमति देता है कि हरनाल हाल ही में क्या कर रही है। 2023 में उन्होंने जो भी नाइट में अभिनय किया, जो द एसाइलम की एक सीफी मूल फिल्म थी, और साथ ही टीवी फिल्म सोशल नाइट मेयर और मदर्स सिविल कीप यू सेफ में भी एसाइलम की तरह इंटरनेट बदमाशी के बारे में एक थ्रिलर थी। 2030 में एक सिकॉन टॉपिक में शामिल हुई और 2040 में उन्होंने साइंस ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए। 2050 की शुरुआत में हरना सेक्स एक्ट में एंजेलिका स्टीवर्डिंग की भूमिका निभाई। नेटफ्लिक्स पर वचोवस्की की एक सीरीज यह सीरीज 2 सीजन तक चली, जिसका अंतिम एपिसोड 8 जून 2018 को रिलीज हुई। इसके अलावा 2018 में हरना पैराडॉक्स की रिलीज किया, जिसके लिए उन्होंने लेखक और निर्माता के रूप में काम किया। फिल्म में संगीत नील यांग थे। 22 में हरना ने द रोको चैनल के लिए एक कॉमेडी सीरीज द नाउ में ड्रिल फ्रेंके के साथ अभिनय किया। 22-23 में उन्हें नील यांग और क्रेजी हर्स की ए बैंड ए बदरोहुड ए ब्रॉन के लिए सौत्रिस संगीत फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हनार एक निपुण थिएटर अभिनेत्री भी, उन्होंने 20 में लंदन की वेस्ट एंड में द सेवन ईयर ईच में मर्लिन मुनरो की मुख्य भूमिका को दोहराया। नाटक के समीक्षकों ने हनार के प्रदर्शन की सराहना की। कॉटन